नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। दो बड़े अपडेट हैं पंजाब से। ये तो आप जानते हैं कि आज पांच राज्यों के चुनाव का ऐलान हो गया है, 10 मार्च को रिजल्ट आने हैं और गोवा में, पंजाब में, उत्तराखंड में एक ही दिन यानी 14 फरवरी को वोटिंग होनी है। लेकिन वोटिंग से पहले एक बड़ा फैसला हुआ है डीजीपी को लेकर के। डीजीपी को हटा दिया गया है और सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा था, उनको हटा करके दूसरे डीजीपी को नियुक्त किया गया है, वीरेश कुमार भावरा। और ये इसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन एक और बड़ी घटना हुई है और वो घटना ये है कि फिरोजपुर के एसएसपी को भी हटा दिया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में पहली बड़ी कार्रवाई तो ये हुई है कि फिरोजपुर के एसएसपी हरमनदीप हंस का तबादला किया गया है और वहाँ पर नरेंद्र भार्गव की नियुक्ति की गई है। और दूसरा जो बड़ा फैसला हुआ है वो हुआ है डीजीपी को हटाए जाने का। सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय अब पंजाब के डीजीपी नहीं रहेंगे। उनकी जगह 1987 बैच के वीके भावरा नए डीजीपी बनाए गए हैं। आप जानते हैं ना, ये सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय किसकी पसंद थे? नवजोत सिंह सिद्धू की। जब चरणजीत सिंह चन्नी ने उनकी पसंद के व्यक्ति को डीजीपी नहीं बनाया था तो उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया था। और आपको बताता चलूं कि नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए जो 3 आईपीएस अधिकारियों के नाम भेजे गए थे यूपीएससी को, उनमें चट्टोपाध्याय का नाम भी रखा गया था, लेकिन वो शॉर्ट आउट कर दिया गया और केवल 3 नाम बचे थे, दिनकर गुप्ता, डीके भावरा और प्रमोद कुमार। ये ऐसे समय पर फैसला हुआ है जब पंजाब के लिए चुनाव का ऐलान हुआ है। आज सुबह हमने एक प्रोग्राम किया था ये जानकारी देते हुए कि होम मिनिस्ट्री ने सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को, यानी पंजाब के निवर्तमान डीजीपी को, एक कारण बताओ नोटिस भेजा था जिसका जवाब उनको शाम 5 बजे तक देना था। और इसमें कहा गया था कि क्यों ना आपके खिलाफ ऑल इंडिया रूल्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। और उनके खिलाफ कार्रवाई तो दूसरे एक्ट के तहत भी होनी है, क्योंकि उन्होंने केंद्र सरकार की एजेंसियों के द्वारा पिछले 7 दिन में, यानी 5 जनवरी से पहले 7 दिन में, जितनी चिट्ठियां, पत्रियां, सूचनाएं भेजी गई थी, जो अलर्ट भेजे गए थे, न केवल उनकी अनदेखी की थी बल्कि ये पाया गया कि उन्होंने उस समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एसपी जी ने मौसम खराब होने की वजह से सड़क मार्ग से हुसैनीवाला और फिर फिरोजपुर जाने का फैसला किया, तब भी उस तरह के उपाय नहीं किए, वैसे बंदोबस्त नहीं किए जिनकी ज़रूरत थी। और उस चिट्ठी में वो तमाम कारण गिनाए गए थे। अब तो वो डीजीपी नहीं है, डीजीपी नए नियुक्त हो गए हैं पंजाब में,
लेकिन ये चरणजीत चन्नी सरकार के लिए भी, नवजोत सिंह सिद्धू के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी पहला बड़ा झटका है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।